सो ये है लिटिल मिलेट और ये है फॉक्सटेल मिलेट। इसमें आपका पूजा करके पूजा के लिए फ्रूट्स हैं, फल, फ्लावर्स। हाँ तो चैनल और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है ना तो अभी अच्छे हो जाइए क्योंकि हमारा ब्लॉग आ चुका है। और ये देखिए आज का मौसम है ऑसम। थोड़ी देर पहले भी बारिश हो रही थी तो अभी भी बारिश होने का चांसेस है, कभी भी बारिश आ सकती है। और व्यान यहाँ पे खेल रहा है, सो व्यान को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा है। व्यान को मैंने लास्ट 3 डेज से मैंने स्कूल नहीं भेजा। सो पहला दिन देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैंने व्यान को स्कूल नहीं भेजा। और नेक्स्ट डे अचानक देखा कि सुबह व्यान को फीवर आ गया था। तो वो फीवर ना अचानक था एंड वो मेरे वजह से ही था, मुझे पता है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से ना मुझे कोल्ड होके रखा है, जो अंदर से मतलब मुझे फील हो रहा था, थ्रोट पेन हो रहा था थोड़ा सा, और फिर अभी जैसे नोज़ भी थोड़ा सा रनी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और बहुत तेज़ सरदर्द था मेरा, तो मुझे लग रहा था कि मुझे ठंड लग गई है। और व्यान को आप रोक नहीं सकते हो, व्यान बार बार मेरे मुँह के सामने आके मुझे किस विस करता रहता है और रोक ही नहीं पाती हूँ मैं उसको, तो मेरे से ही वो इन्फेक्टेड हो गया। और फिर उसको फीवर आया था कल, तो इसलिए कल मैंने नहीं भेजा। कल सुबह के टाइम उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, फिर ना जब धीरे धीरे दिन गया ना तो धीरे धीरे वो सही हो गया था और अभी आज बिल्कुल ठीक है। लेकिन कल रात को ये बच्चा सोया नहीं था अच्छे से, ना इसने ढंग का सोया ना हमें भी सोने दिया, तो सुबह वो अच्छे से सो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, कल रात को नींद की इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई उसको तो मैंने सुबह नहीं जगाया, तो मैंने उसको सोने दिया, इसलिए आज भी मैंने स्कूल नहीं भेजा है उसको। और आज ना हम लोग घर जा रहे हैं जलपाईगुड़ी, क्योंकि कल है घर में पूजा, जो ईयरली बिपोत्तारिणी पूजा होता है ना, तो वही पूजा है कल, तो इसलिए आज हम लोग शाम के टाइम हम लोग निकल जाएंगे वहाँ पे। और कुछ देर पहले ना मैं तैयार हो गई थी बाहर जाने के लिए क्योंकि मुझे आईब्रो बनाने जानी थी, तो हम लोग ना तैयार भी हो गए थे, मैं, व्यान और शेखत के साथ हम लोग नीचे जा ही रहे थे कि मतलब कुछ स्टेप्स भी हम लोग उतर गए, फिर जाके देखा कि बाहर बारिश हो रही थी। तो अभी ना हम दोनों को ही थोड़ा सा कोल्ड है, कोल्ड एंड कफ है, तो इसलिए शेखत ने कहा कि नहीं नहीं जाना, घर के अंदर चलो। तो फिर से हम लोग घर के अंदर आ गए और शेखत चले गए ऑफिस, तो नहीं जाना हुआ। और आईब्रो ना मेरी कब से ग्रो होके रखा है और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, तो मैंने सोचा कि कराती हूँ करके करके मेरा होता ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज ही करा लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। देखते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम बचता है ना तो मैं कराऊंगी ज़रूर। और पता है हमारे घर में हम तीनों का ही सेम हालत है, मीन्स कोल्ड एंड कफ, पहले तो शेखत का हुआ, फिर मेरा और अभी व्यान का। और व्यान को मैंने नहला धुला के ना अभी टीवी के सामने बिठा दिया है, वरना वो मुझे कोई काम नहीं करने देता है, तो अभी मैं कुकिंग करूँगी। और ये वाला पैकेट मुझे आज ही रिसीव हुआ है, तो मैंने अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया था, एक्चुअली मुझे पता है कि इसमें क्या है क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था मिलेट्स, तो मैं अमेज़न से ऑर्डर करती हूँ, तो वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और मैं ना हमेशा यही ब्रांड का मिलेट्स जो है ना वो ऑर्डर करती हूँ, और ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैंने खुद से ऑर्डर किया है, मतलब मैं खुद से ऑर्डर करती हूँ। तो ये है मन्ना बर्नयार्ड मिलेट और ये है मन्ना कोडो मिलेट, मतलब ये ना 4 का सेट आता है, तो मैं वही लेती हूँ क्योंकि वैरायटी भी चाहिए होता है, एक ही मिलेट आपको बार बार खाना नहीं चाहिए। सो ये है लिटिल मिलेट और ये है फॉक्सटेल मिलेट, तो ये 4 का मुझे पड़ा है। ये सारे ना 500 ग्राम की ईच पाउच है और ये 4 मुझे पड़ा है 319 रुपीज़, मतलब 319 रुपीज़ मुझे पड़ी है।
और काफी दिन चला जाता है मेरा। और मिलेट से आप बहुत कुछ बना सकते हो, मिलेट्स को आप अपने डाइट में ना जरूर से जरूर शामिल कीजिए। और बहुत तरीके का आप बना सकते हो, डोसा बना सकते हो आप, उत्तपम बना सकते हो, मतलब ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हो, या फिर आप, मैं तो मतलब राइस के जगह पे ना मिलेट बना के, मतलब मिलेट को राइस का सब्स्टिट्यूट तरीके की भी मैं यूज करती हूँ, राइस की तरह ही मैं बना लेती हूँ और राइस की जैसी मैं खाती हूँ। फिर खिचड़ी बना सकते हो, उपमा बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो आप मिलेट से, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। सो दिस आर मिलेट्स। और ना इसकी लिंक अगर हो सके ना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, तो अगर आपको मिलेट्स चाहिए ना तो आप एक बार इस ब्रांड को जरूर ट्राई कर सकते हैं। और आज लंच में बनेगा हिलशा फिश, तो कल शायद हिलशा फिश लेके आए थे तो फिश हेड भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज में जो भी सारे सब्जी है ना उस सब्जी के साथ हिलशा फिश हेड को मैं मिक्स करके बना लूँ। और 3 पीस ही है हिलशा फिश, तो मैं सोच रही हूँ कि स्टीम्ड हिलशा बना लूँ। तो यहाँ पे मेरी चावल बन गई है और ये बन रहा है स्टिम्ड हिलशा। सो मुझे ऐसे ही करना पड़ा क्योंकि ये टिफ़िन बॉक्स काफ़ी बड़ा है, अगर छोटा होता ना तो मैं इसके अंदर मतलब चावल पकते ही उसके अंदर दे के रखती हूँ तो वो उसी स्टीम में पक जाता है, लेकिन मुझे पानी के ऊपर ये टिफ़िन बॉक्स को बिठाना पड़ा। और यहाँ पे एक सब्ज़ी जो बन गई है फिश हेड के साथ, ये रहा। ओके सो खाना इज़ ऑलमोस्ट रेडी। और ये आ गए हैं ऑफिस से, क्या क्या लेके आए हो? इसमें पूजा करके, पूजा के लिए फ्रूट्स हैं, फल, फ्लावर्स। हाँ तो ये घर में जो पूजा है ना तो वहाँ के पूजा के लिए फ्रूट्स है। क्या क्या फ्रूट्स लेके आए हो? इसमें प्लम है, मैंगो है, ओके, पोमग्रेनेट है, बहुत सब, मतलब 13 तरह की, क्या जो जो मिसिंग था घर में। अच्छा और ये क्या है? इनको भी कोल्डन कफ हुआ है, व्यान को भी, मतलब तीनों को हुआ है। सो ये व्यान का और खुद का मेडिसिन, कुछ यहाँ पे मेडिसिन। ओके चलो, अभी हो रही है हमारी पैकिंग, तो हमने ये छोटा वाला ट्रॉली लिया है क्योंकि हमें सिर्फ पूजा ही नहीं कुछ और भी जगह जाना है जो आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। सो यहाँ पे है व्यान का और यहाँ पे है हमारा और ये बच्चा खास रहा है। सो मैं अभी तैयार हूँ जाने के लिए और रास्ते में अगर पॉसिबल हुआ ना तो किसी पार्लर में रुक के मैं अपना आईब्रो ज़रूर करूँगी, तो वो। और ये रहा मेरा आउटफिट और मैंने शैम्पू भी किया है। सो पहले हमने सोचा ना कि हम लोग ना बस से जाएंगे, फिर हमने सोचा कि नहीं ट्रेन से जाएंगे, और अभी फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग स्कूटी से जाएंगे क्योंकि बाहर ना अभी धूप है, तो हमने सोचा कि स्कूटी से ही जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अभी गर्मी भी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विहान के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा हवा लगेगा तो ठंड लग जाएगा बच्चे को। और पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैंने शैम्पू किया है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दुपट्टा कैरी कर लूँ अपने हेयर को कवर करने के लिए ताकि हेयर गंदा ना हो, क्योंकि कल मुझे शैम्पू करने का वक्त नहीं मिलेगा, तो इसलिए आज मैंने कर लिया है। और बस हम लोग अभी जा रहे हैं और मैंने एक दुपट्टा भी कैरी कर लिया है। चाबी नहीं है? ओके सब कुछ हमने
बंद कर दिया है। और ये रहा सब कुछ, एक बैग और ये पूजा का सामान और इनका एक बैकपैक। और आज ना रथ यात्रा भी है, तो देखेंगे अगर रास्ते में अगर हमें कहीं मिले तो हम लोग रस्सी जरूर खींचेंगे, है ना। चलो बजे। जी हाँ, रास्ते में चार जगह हमें मिला था रथ यात्रा, सो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम में हम लोग फंस गए, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और आते वक्त में मैंने अपना आईब्रो भी बना लिया है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, काफ़ी महीनों से पेंडिंग था एक्चुअली, सो वो भी बना लिया है, ठीक है। और बयान तो आते ही खेलने लग गया है, वो खेलने लग गया है, मतलब घर के अंदर घुसते ही बयान बोल रहा था कि मम्मी मुझे खिलौने से खेलना है, खिलौने से खेलना है। बस दो तीन दिन बहुत ही मन लगा के खेलता है, उसके बाद सभी पुराना हो जाता है उसके लिए। और पूजा की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है थोड़ा थोड़ा करके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे फ्रूट्स हैं, तो ये सब ना पूजा पर्पस के लिए है। और बहुत प्रकार के फ्रूट्स हैं यहाँ पे, बहुत वैरायटी के हैं, और इसमें से ना सिलेक्ट किया जा रहा है 13 प्रकार के फल, क्योंकि इस पूजा में ना हमें 13 प्रकार के फल चाहिए होता है और 13 प्रकार के फूल भी चाहिए होता है। तो अभी वही सिलेक्ट किया जा रहा है कि कौन से फ्रूट्स देने होंगे भगवान जी को, तो ये। और इसके बाद नारायण पूजा भी होगा, तो नारायण पूजा के लिए 5 प्रकार के फल चाहिए होता है, तो वो भी अलग किया गया। और अभी ये जो देख रहे हो ना, ये मासी आएंगे कल, तो मासी के लिए भी 13 तरह के फल अलग किया जा रहा है। और मैं अभी ऊपर आके जस्ट फ्रेशन अप हुई हूँ, और देखिए क्या सरप्राइज मिला। टिया आ गई है, वो भी बलून लेके, बयान तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। सो टिया को पता है कि हम लोग जस्ट अभी अभी आए हैं, रास्ते में मैंने कॉल किया था, तो मुझे नहीं पता था कि वो लोग हमें सरप्राइज देने आएंगे। और बलून तो थोड़ी देर में टिकते नहीं है, बलून तो कभी भी फट जाता है। बलून जी कहाँ गए, बलून जी, बलून जी कहाँ गए, बलून जी। फैन में लगेगा तो एकदम। और
गाइज, हम लोग जस्ट अभी अभी डिनर करके आए और डिनर में आज बना था, आज प्योर वेज खाना बना था। आज बना था वेज वाली दाल, सो बहुत सारी वेजेस मिला के एक चने की दाल बना था जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और साथ में बना था आलू पनीर की सब्ज़ी, वो भी बहुत टेस्टी बना था। सो वो खाना खा के मैं आ गई हूँ अभी ऊपर। तो पूजा का जो प्रिपरेशन है ना, वो हम लोग आज ही से स्टार्ट कर देते हैं, तो मम्मी आज ही से स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोगों ने बीच में देखा भी कि हमने कहा गया फोकस, हाँ हमने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया है। सो थोड़ी बहुत ना हम लोग करके रखते हैं पहले दिन ही, क्योंकि बहुत सारे नियम होता है इस पूजा में, तो वो एक ही दिन में करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और 11 बजे पंडित जी भी आने वाले हैं कल सुबह, और कल जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह उठते ही पूरा घर को झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, और मम्मी तो एकदम मतलब भगवान जी के लिए भोग चढ़ाते हैं, तो मम्मी उसमें ही बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा भगवान जी के लिए खाना बनाते हैं, भोग बनाते हैं। फिर पूजा के भी बहुत सारे रिचुअल्स है जो करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो सब कुछ आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। सो गाइज, इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।